अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुरात रखे और ये अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला शिफा दे, जो घरों में या अस्पतालों में, अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला उनका कर्ज़ उतारे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। तो बहुत सारी अहम बातें, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो टाइम वॉच करते हैं, पूरा टाइम देते हैं, वीडियो पूरी वॉच करते हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरी वीडियो आप तक बरवक्त पहुंच सके। आज मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, रात के 12 बजने लगे हैं। मैं उस अपने प्यारे भतीजे को लेके गया था बहावलपुर अस्पताल में, जो दिमागी मरीज़ बन चुका है बच्चा, 15-20 साल की उम्र सारी है उसके बेचारे की, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो गया, उसके दिमाग का कोई मसला हो गया। तो उनके लिए सब दुआ कीजिएगा, मेरे भतीजे के लिए अल्लाह ताला उन्हें जल्द ठीक कर दे। बहुत परेशान हैं उनके वालदैन, भाई बहन सब बहुत परेशान हैं। काम करने वाला वो ही एक बंदा है पूरे घर में। तो भी अल्लाह ताला सबको बच्चे बख्श दे, और भी ऐसी बुरी चीज़ों से अल्लाह ताला बचाए, बुरे वक्त से बचाए। आप सब के बच्चों को, जितना भी यूट्यूब फैमिली के बच्चे हैं ना, जिनके भी बच्चे, अल्लाह ताला सबको इस बुरी चीज़ से, बुरी मर्ज़ों से बचाए। अल्लाह ताला आप लोगों के वालदैन का साया आपके सरों पर कायम रखे। जिनके वालदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत किया करें, वालदैन के पाँव के नीचे जन्नत है। अच्छा, अभी तो बात करेंगे, अभी इस तारा बेटी के ब्लॉग पर माशाल्लाह सुबह हुई, उठ के गए कुछ उनका, फिर वही बिज़नेस वाला काम था, चले गए अपने बिज़नेस के लिए माशाल्लाह। तो आके ऑटो में बैठे, वो जो खरीद खरूद की, खाना वगैरह खाया, तो माशाल्लाह जो उनका साथ दे रहे हैं उधर भी, जो रियाशी थे इस्लामाबाद के, उनका भी बहुत शुक्रिया, तहरा शेष्टकर का बहुत शुक्रिया। वो केस में साथ दे रही है, जो उनके साथ केस को हो रहे हैं, सतारा कर रही है। तो भाई दूसरे लोग जो जो चीज़ को पता नहीं था, शायद हाथ बटा रहे हैं भाई, जो सतारा बेटी का बिजनेस है अच्छा कर रही है। सब सबकी ये फरमाइश भी थी भी आपका साइड बिजनेस ज़रूर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल लगता है भी सतारा बेटी का ब्लॉग जब व्लॉग में बता जाती है कि भी मेरा बिजनेस शुरू हो चुका है, पता नहीं अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन लगता है अभी मैंने कि थोड़ा थोड़ा उन लोगों ने शुरू कर लिया है। जब मुकम्मल शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह वो शो भी करेंगे और बिज़नेस भी बताएंगे कि मैं बिज़नेस क्या कर रही हूँ। तभी राबिया सिस्टर का जो व्लॉग था ना, उन्होंने तारीफ़ों की पुल बांधी हुई थी भी तारा बेटी का व्लॉग क्यों नहीं आया। मैं बताती हूँ, तो जी हमारी वजह से नहीं आया। मैंने उसको बोला भी आप व्लॉग ज़रूर बनाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम गप्पे शप्पे लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होती है, रोज़ी, रोज़ी होती है। आप रोज़ी करें सतारा बेटी, उसके बाद जो है ना आप गप्पे शप्पे भी कहीं नहीं गए। ये राबिया सिस्टर दूर की नहीं है, घर की है, लेकिन आपकी ये जॉब है, जॉब को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको 2-2.5 लाख ऑडियोज़ देखती है, 2-2.5 लाख बंदों का मतलब सोच में डालना, परेशान करना, उसे अपना भी आप नुकसान कर रही हैं। तो जब भी आपके पास कोई मेहमान आते हैं ना, तो फिर आप वीडियो नहीं डालती। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा, अपना नुकसान तुम खुद कर रही हो, क्योंकि फिर जब यूट्यूब फैमिली जो है ना आपको देखना चाहती है, कुछ भी बना डाले आप ना, चाहे थोड़ा सा आके आप बता दें भी आज मैं फलां काम में बिज़ी हूँ, तो मेरा व्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। फिर भी यूट्यूब फैमिली को जो है ना, फिर तरह तरह के सोचें, फिर अंदाजे जो लगाते हैं ना, गैस लगाते हैं, आज ये हो गया होगा सतारा के साथ, ये हो गया होगा। तो भाई सतारा ठीक भी होती है तो उनको बताना चाहिए भी मैं इस काम में बिज़ी हूँ भाई, तो आज मेरा व्लॉग नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती करती है। मेहमान कहीं दूर के नहीं हैं, आपको पास रात को टाइम होता है 24 घंटे में, एक आधा घंटा, 2 घंटे, मतलब पूरा नहीं तो कुछ थोड़ा सा स्ट्रीट में दे दीजिएगा, खाना पकाते हुए दिखा दें भी मैं मतलब खाना बना रही हूँ, मेहमानों को खिला रही हूँ, और उसके बाद जो है ना मेरा आज व्लॉग आप लोगों को पूरा देखने को नहीं मिलेगा। तो जो लोग परेशान होते
आपके लिए वो परेशान नहीं होंगे। तो ये मेहरबानी क्या करें, आप जो है ना जो देख रहे 2-3 लाख आपके ऑडियंस है, मिलियन आपको चाहने वाले लोग हैं, तो वो कितना परेशान होते होंगे, मेरी माँ हैं, मेरी बहन हैं। तो आप अपना बिजनेस भी देखें और उनका दिल भी ना तोड़ा करें। कोई भी मेहमान आ जाए आपके पास तो आप अपने बिजनेस को भी देखें, और ये आपकी जॉब है, और लाखों दिलों में आप बसती हैं, तो लाखों दिलों का जो है ना फिर धड़कन है आप, तो लाखों लोग सोचते होंगे भी क्या हो गया, अल्लाह ना करे कुछ हो गया, अल्लाह ना करे उसके घर में कुछ है, उसको बच्चों कुछ है, उसको कुछ है, तो हज़ार सोच करते हैं वो आपको, जितना वो प्यार करते हैं आपको उतना करना चाहिए, और भी आपको जो है ना परेशान नहीं करना चाहिए ऑडियंस को, और फिर आप अपना भी लाखों का नुकसान करती हैं मेहमानों की वजह से, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आपकी जॉब है, जॉब को देखना चाहिए। कोई कोई बंदे तो भाई कुरान उठा लेते हैं, कसमें कुरान उठा लेते हैं, फकत क्या बिजनेस समझते हैं। YouTube को भी मेरा घर, मतलब मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, तो कसमें कुरान उठा के आपके पीछे लोग आए थे, कितना लोगों ने कसमें कुरान उठाते हैं इसी व्लॉग के लिए, अपने आप को ऊपर करने के लिए, और उनको लोग इतना चाहते भी नहीं जितना आपको चाहते हैं, जो लोग आपके पीछे कसमें कुरान उठाते हैं, वो भी एक अपने इसी डालरों के लिए करते हैं। ये एक आप है कि भाई आपको इतना लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और आप जो है ना उनका दिल तोड़ती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो भी मेहमान आए, सत बिस्मिल्लाह, मैं मेहमानों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, नजमा आए आपके पास, दो ही बंदे कुछ ज़्यादा ही आते हैं, तो भैंसो भैंस इन्हीं की है भी, कभी वो नजमा साहब आ जाती है, कभी रबिया सिस्टर आ जाती है, तो बिल्कुल आया जा कर, हमारा को किसी के साथ कोई नहीं है, लेकिन आपको जो है ना हज़ारों लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, अपने कारोबार में, और हज़ारों मतलब लोगों का दिल की परेशानी है वो आप बन जाती हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। हम तो खुश हो जाते हैं भी, हम मैं चाचा चला गया हूँ, और मेरी वजह से जो है ना उन्होंने कहा भी छोड़ो चाचा, व्लॉग श्लॉग तो बनते रहेंगे, गप शप लगाते हैं, मैं बहुत खुश हो जाऊँ, वाह भी वाह, मेरी प्यारी भतीजी ने आज ना व्लॉग भी नहीं बनाया मेरे लिए। अरे नहीं, एक बिल्कुल घटिया सोच है कि अभी मैं खुश हो जाऊं, नहीं, उसको अपना बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ना उसको ज़्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए, अपने बिजनेस में वो रहे, हम उसके घर जाए बोझ बन जाते हैं, परेशानी होती है, लेकिन मिलना जुलना भी ज़रूरी है, तो चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको हक है कि वो अपना सब कुछ छोड़ के पहले व्लॉग बनाए। तो जी आज मेरा कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं है, बहुत कस्में कुरान है उठाई जा रही है वहाँ से, मेरी बड़ी भतीजी साहब की तरफ से, और उसके कुछ ऑडियोस वो कुछ लीक कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहा है, फकत फेक 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 चीज़ें लाई जा रही हैं, और कुछ लोग मुझे कहते हैं भी आप सितारा सितारा करते हैं, तो उतना देर आप सलमा सलमा क्या करें, भाई बिल्कुल मेरे भाई की बेटी है, उसे भी सलमा सलमा ज़रूर करूँ, अगर उसने कसम कुरान झूठी नहीं उठाई होती तो। बाकी रिज़्क रोज़ी का वारिस अल्लाह है, ईमान पर चलना चाहिए, आंखों पर मट्टी आनी है, तो हक और सच की बात करनी चाहिए। मिलेंगे कल के व्लॉग में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग मेरा बहुत देर से आ रहा है, इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ सबसे, और मेरे प्यारे भतीजे के लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा, जिनके लिए मैं मतलब दवाई लेने गया था और इस टाइम घर पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।